कहता है वाटरफॉल फ्रॉम द हाइट ऑफ 60 मीटर एट ए रेट ऑफ 15 केजी पर सेकेंड। वाटरफॉल करा कुछ हाइट से और उसका अपना रेट दिया हुआ यार, ठीक है। वाटर इज फॉलिंग विथ सम रेट, ठीक है। चलो तो ये जो रेट है वाटर का रेट हम लोगों के पास है, हाँ कर सकते हैं इसको। वाटरफॉल फ्रॉम ए हाइट, कुछ हाइट से वाटरफॉल कर रहा है यहाँ से। चलो यहाँ से एक एच हाइट बना देता हूँ वाटर यहाँ से, ठीक है। यहाँ से वाटर ऐसे फॉल कर रहा है, ठीक है। और यहाँ टरबाइन लगा हुआ है, ठीक है। हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय द विद द हेल्प ऑफ द वाटर। अब जो वाटर है वो 60 मीटर से फॉल कर रहा है, 60 मीटर से फॉल कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। टरबाइन द लॉस ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू 10% एनर्जी। अब आपको समझना है कि इतने हाइट से वाटर फॉल कर रहा तो 100% कन्वर्जन तो कभी नहीं होता यार, ठीक है। डैम में जो है एनर्जी, कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर लॉस होती है, तो 10% एनर्जी लॉस हो गई, तो जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसका 90% बच गया। 10% तो लॉस हो गया, तो 90% ही एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हुई यार, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो 90% एनर्जी, 90% ऑफ MgH, 90% ऑफ MgH इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, 90% ऑफ MgH। हाउ मच पावर जनरेटेड, 90% ऑफ MgH कन्वर्टेड इनटू टोटल एनर्जी, यही एनर्जी में कन्वर्ट हुई। हाउ मच पावर जनरेटेड बाय द टर्बाइन, ठीक है। टर्बाइन का पावर कितना है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो अगर मैं पावर निकालूं पर सेकेंड, 15 केजी वाटर पर सेकेंड फॉल कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 9, ये जो पर सेकेंड निकालूं तो दैट इज वर्क डन, और वर्क डन क्या है, 90% ऑफ MgH, 90% ऑफ MgH, और 90% ऑफ MgH इसका मतलब ये हुआ कि 90/100, और मास जो है वो 15 जी की वैल्यू 10 और हाइट 60, ठीक है। तो ये पूरा कैलकुलेट कर लेना कॉट, ठीक है, ये आ जाएगा 8, ठीक है, ये आ जाएगा 8.1 किलोवाट, दैट इज द पावर। सी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये इतने सारे हम क्वेश्चन किए, और जो क्वेश्चन बच गए हैं वो नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे। तो थैंक यू, बाय बाय।